नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है तकनीकी ट्यूसडे में, हमारा जो वीकली पॉडकास्ट होता है। यहाँ पर निफ्टी, इफ यू टॉक अबाउट निफ्टी, करंटली ट्रेडिंग नियर 24,150 के आसपास स्पॉट के लेवल्स है। ओवरऑल अगर आप सपोर्ट की बात करें तो 24,000 और 23,800 का बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। हालांकि मार्केट में बार बार वीकनेस देखने को मिल रही है, तो अभी भी डाइसी के सपोर्ट्स इंटैक्ट रहेंगे कि नहीं, तो जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक हम सेफ है। बट उसके नीचे फिर और भी अगर ये ब्रेक होते हैं सपोर्ट, सो दैट इंडिकेट्स कि समथिंग इज वेरी सीरियस इन द मार्केट, और भी कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है आने वाले समय में। ये सपोर्ट्स आप मेंटेन करके चलिए 23,800 एंड उसके ऊपर जो है वो 24,000। अपसाइड में बार बार हमने अटेम्प्ट किया, पिछले 15 दिन में हमने देखा कि बार बार निफ्टी ऊपर आता है, 24,300 तक आता है, 24,500 तक भी इनफैक्ट आया, बट वहां से बहुत ही जोर से सेलिंग आ रही है। सो मार्केट्स आर नॉट एबल टू सस्टेन एट हायर लेवल्स। सो ओवरऑल जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो ऐसी हो गई है कि सेल ऑन रैलीज एंड बाय ऑन डिप्स। सो एक रेंज में फंस गए हम, तो जब तक ये रेंज में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता तब तक एक क्लियर ट्रेंड नहीं रहेगी और वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा रहेगी। हमने देखा है कि अभी कल ही की बात करें, अगर देखा जाए तो बॉटम से मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी आई, फिर इतना बड़ा रैली या अपसाइड देखने के बाद फिर से मार्केट में डाउनसाइड आया। परसों की बात अगर हम करें तो पिछले 2-3 दिन से यही हो रहा है, मार्केट्स नीचे आते हैं या फ्लैट खुलते फिर नीचे आता है, फिर अपसाइड आती है एंड अगेन देन देर इज अ सेलिंग इन द मार्केट। सो ओवरऑल एक रेंज में हम फंसे हुए हैं, जो मैंने आपको बता दी ब्रॉडर रेंज 23,800 टू 24,500। अनलेस एंड अंटिल ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता तब तक कोई क्लियर ट्रेंड नहीं आएगा। स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम जारी रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो चलता रहेगा। हमें बहुत ही सिलेक्टिव रहना है इन दिस पीरियड जब तक क्लियर ट्रेंड नहीं आती। बट ओवरऑल वी फील दैट अगर आप हमारा व्यू पूछे तो हमें लगता है कि ब्रेकआउट आना चाहिए रादर देन ब्रेकडाउन। सो वी आर होपिंग फॉर दैट, बिकॉज काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है, द डेटा डज नॉट इंडिकेट कि यहां से ज्यादा डाउनसाइड है। बिकॉज FIs लॉन्ग शॉर्ट रेशियो की बात करें तो दैट इज एट 25% 22% के आसपास हो गया था, बट दैट इज द रीजन में मार्केट्स में ज्यादा फॉल इंडेक्स में नहीं आ रहा, बट ये स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ही ज्यादा हैमरिंग हो रही है। सो यस, वी फील दैट मार्केट्स माइट नॉट सस्टेन एट लोअर लेवल्स और ये ब्रेकआउट आना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी हम 9% फ्रॉम द टॉप गिर चुके हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ अराउंड 26,200। कमिंग टू बैंक निफ्टी इज ऑल्सो स्टक इन अ रेंज 52,500 ऑन द अपसाइड। बार बार वो अटेम्प्ट करता है बट निकलता नहीं है, तो जब तक 52,500 नहीं निकलता तब तक कोई मेजर बड़ा मोमेंटम बैंकिंग में भी देखने को नहीं मिलेगा। हमने देखा PSU बैंक्स ने काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया, बट यस बैंकिंग इंडेक्स निकल नहीं पा रहा। तो 52,500 जब तक निकलता नहीं तब तक बैंक निफ्टी पे कोई बड़ा ट्रेड नहीं ले सकते। डाउनसाइड में ओवरऑल सपोर्ट इज एट 51,000 फॉलोड बाय 50,800। तो ये जो 200 पॉइंट की रेंज है ये एक सपोर्ट है, जब तक 50,800 ब्रेक नहीं होता तब तक कोई मेजर पैनिक वाली चीज भी नहीं होगी बैंकिंग में। सो यस, टू कट इट शॉर्ट, बोथ द इंडेक्सेस आर इन अ रेंज। बैंक निफ्टी की रेंज थोड़ी छोटी है, इंडेक्स निफ्टी की थोड़ी बड़ी सी रेंज है। सो वील हैव टू वेट एंड वॉच ओवर ईयर अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, बट यस वी फील दैट द ब्रेकआउट वुड बी ऑन द हायर साइड। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग। Investment in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.